गाइस GTA 5 की दुनिया में जायंट टाइटन आ चुका है और ये टाइटन कितना ज्यादा खतरनाक है वो तो आप इसके साइज को देखकर ही पता लगा सकते हो। इसीलिए आज हमारे फ्रैंकलिन को कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा और इसके लिए हमारे फ्रैंकलिन को दूसरे यूनिवर्स में जाकर जायंट एवेंजर्स को बुलाना होगा। तो क्या गाइस आज हम हमारे जायंट एवेंजर्स से मिल पाएंगे या फिर हम इस टाइटन के हाथों ही मारे जाएंगे। सो गाइस हमें काफी दिन हो चुके हैं बीच पर आए हुए। अरे लेकिन यार हमारा आयरन मैन ऊपर कहां से गिरा? अरे आयरन मैन तुम ऊपर कहां से गिरे यार? फ्रैंकलिन लॉस सैंटोस में अभी बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है और तुम अभी पीछे मुड़कर देखो। अरे यार पीछे ऐसा क्या है? अरे यार सिंचैन पीछे देख, हमारे पीछे तो एक टाइटन है। अरे फ्रैंकलिन भैया ये टाइटन कहाँ से आ गया? अरे हाँ यार ये टाइटन कहाँ से आ गया और इसका साइज तो काफी ज्यादा ही जायंट है। आयरन मैन कहीं इसने तो तुम्हें नहीं गिराया है? अरे हाँ फ्रैंकलिन तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं इस टाइटन से फाइट कर रहा था और इसने मुझे ऊपर से गिरा दिया। यार ये इतना बड़ा टाइटन है कि इससे तो यार कोई भी फाइट नहीं करना चाहेगा। तो आयरन मैन अभी आगे का प्लान बताओ, प्लान क्या है? फ्रैंकलिन अभी तुम्हें दूसरे दुनिया में जाना होगा और दूसरे दुनिया में जाकर तुम्हें जायंट एवेंजर्स को यहाँ पर लाना होगा। अरे हाँ यार ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो चल सिंचैन अभी जल्दी से हम दूसरी दुनिया में चलते हैं। और गाइस ये रहा हमारा दूसरी दुनिया का दरवाजा, लेकिन दूसरी दुनिया में जाने से पहले एक बार आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दो। सो 3, 2, 1 वूफ। तो ये लो गाइस अभी हम दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। और सिंचैन तू कहां पर गया? अरे फ्रैंकलिन भैया मैं भी आपके पीछे आ ही रहा हूं। तो चल ठीक है सिंचैन तू भी आराम से लैंड करियो। और गाइस पता नहीं यार ये दुनिया कैसी होने वाली है, वैसे यहां से तो ये काफी अजीब ही लग रही है। और जैसा कि यार आयरन मैन हमें बता रहा था सिंचैन अभी हमें यहां पर जायंट एवेंजर्स को ढूंढना है। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं यहां पर एक तरफ जायंट एवेंजर को ढूंढता हूं और आप दूसरी तरफ जाओ। सिंचैन तू बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम यार ऐसे जायंट एवेंजर को ढूंढ पाएंगे। तो चलो गाइस अभी हम बाइक लेकर निकलते हैं और जैसा कि आयरन मैन ने हमें भेजा है हमें यहाँ पर कुछ मिल सकता है। अरे भाई साहब यहाँ पर कहीं जायंट एवेंजर है क्या? अबे कलवा तू अपना काम करना चुपचाप। अरे यार आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, हम तो यहाँ पर इनसे आराम से सवाल पूछ रहे थे और ये ऊपर से ही हम पर चढ़ गए। तो चलो कोई नहीं गाइस हमें यहीं कहीं पर जायंट एवेंजर मिलता होगा और वो यार यहीं पर ही होना चाहिए। और गाइस मुझे यार सामने कुछ दिखाई तो दे रहा है और ये तो हमारा जायंट रेड हल्क है। यार ये दुनिया काफी ज्यादा ही अजीब है क्योंकि यहाँ पर इतने बड़े बड़े एवेंजर्स हैं, हमारी दुनिया में तो यार बिल्कुल छोटा सा रेड हल्क है। लेकिन कोई नहीं चलो अभी हम इससे बात करते हैं और इसीलिए अभी हमें ऊपर जाना होगा। और ये लो अभी हम काफी ऊपर आ चुके हैं लेकिन यार ये हमसे भी बड़ा है। हेलो रेड हल्क, यार मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अरे फ्रैंकलिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये तो जायंट एवेंजर्स की दुनिया है। अरे हाँ यार ये सभी बातें मैं जानता हूँ लेकिन अभी हमारी दुनिया काफी बड़े खतरे में है क्योंकि हमारी दुनिया में टाइटन आ चुका है। फ्रैंकलिन क्या वो लावा टाइटन है? अरे हाँ यार वो एक लावा टाइटन ही है और उसका साइज तो तुमसे भी बड़ा है। फ्रैंकलिन लावा टाइटन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं तुम्हारी मदद के लिए चल तो पड़ूंगा लेकिन तुम्हें दूसरे एवेंजर्स को भी ढूंढना होगा। अरे हाँ यार तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम जल्दी से अभी हमारी दुनिया में पहुंचो। वो तो ये लो गाइस रेड हल्क अभी हमारी दुनिया के लिए चल पड़ा है और यार ये कितना ज्यादा मस्त लग रहा है। लिटरली यार इस दुनिया के एवेंजर सबसे अलग ही है और आप इसके सींग देखो ये क्या ही मस्त लग रहे हैं। वैसे ये रेड हल्क यार लावा भी छोड़ता होगा तो चलो एक बार इसकी लावा की पावर देखते हैं। और यहाँ पर अभी हम अपना रेड लावा छोड़ने वाले हैं। भाई साहब यार ये कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, ये देखो यहाँ पर चारों तरफ ही तबाही आ चुकी है और जहाँ पर भी हमने लावा छोड़ा था वहां पर यार आग लग चुकी है। तो चलो अपनी पावर एक बार और टेस्ट की जाए और ये बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो चलो गाइस अभी हम अपने रेड हल्क को अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे जायंट एवेंजर को ढूंढेंगे। सो 3, 2, 1 तो ऑलराइट भाई लोग हमने यार अपने एक जायंट एवेंजर को तो ढूंढ लिया है लेकिन जैसा कि जायंट रेड हल्क बता रहा था हमें यहाँ पर दूसरे एवेंजर्स को भी ढूंढना होगा, इसीलिए अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं ताकि हम अपने अगले एवेंजर्स को ढूंढ सके। तो यार हमें अपना दूसरा एवेंजर भी यहीं कहीं पर मिलना चाहिए क्योंकि जैसा कि रेड हल्क ने हमें एक क्ल्यू दी थी वो यार कहीं यहीं कहीं पर होना चाहिए। सो गाइज अगर आपको यहीं कहीं पर जायंट एवेंजर दिखता है तो हमें बताना और मुझे अपनी बाइक को यहाँ पर ही ड्रॉप करना होगा।
तो यार हमारा जायंट एवेंजर कहाँ पर हो सकता है? लेकिन वेट ए सेकंड, यार हमारे सामने ये इतना जायंट क्रिएचर कौन है? कहीं यार ये हमारा ग्रीन हल्क तो नहीं है? भाई साहब यार ये रेड हल्क से भी कितना मस्त लग रहा है, और जहां तक मुझे लगता है ये हमारा ग्रीन हल्क ही है। तो चलो गाइज अभी हम जल्दी से इस घर के ऊपर चलते हैं। और यार यहाँ पर ये क्या, ये तो हमारा हल्क कोंग है। यार दूसरी दुनिया में भी कितने अजीब अजीब एवेंजर्स हैं। तो चलो अभी हम इससे ही बात करके देखते हैं। हेलो हल्कोंग, ये देखो मैं फ्रैंकलिन हूँ। अरे फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी दुनिया ये नहीं है। अरे हाँ यार, ये सभी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद लेने के लिए आया हूँ। फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारी किस तरीके की मदद कर सकता हूँ? अरे यार, दरअसल हमारी दुनिया में एक जायंट टाइटन आ चुका है, और उसे हराने के लिए तुम सभी एवेंजर्स को मेरे साथ चलना होगा। फ्रैंकलिन, वो जायंट टाइटन काफी ज्यादा खतरनाक है, और उसे हराना मेरे बस की बात नहीं है। अरे हाँ यार, मुझे मालूम है, लेकिन अगर तुम सभी एवेंजर्स मिल जाओगे तो यार तुम उस टाइटन को भी हरा सकते हो, और अगर तुमने उस टाइटन को हरा दिया तो तुम इस दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिएचर बन जाओगी। हाँ फ्रैंकलिन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो चलो अभी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो चलो भाई लोग, यार ये हल्क कोंग भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गया, और यार ये भी मस्ती लग रहा है, और इसकी पावर भी एक बार टेस्ट करना बनता है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ही गाड़ियां है, इन पर ही पंच मारा जाए। और यार मेरा पंच क्या ही खतरनाक था, मैंने जहाँ पर पंच मारा वहाँ का आप हाल देखो क्या हो चुका है। लिटरली यार, अगर ये सभी एवेंजर एक साथ मिल जाएंगे तो उस टाइटन की तो बैंड ही बजा देंगे। सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर इनमें से यार एक भी एवेंजर हमारे सभी एवेंजर्स के साथ फाइट करे तब भी यार हमारे एवेंजर्स इन्हें नहीं हरा सकते हैं। शिट, ये देखो इन गाड़ियों का क्या ही हाल हो रहा है। तो चलो गाइज अभी हम जल्दी से इसे भी अपनी दुनिया में भेज देते हैं, फिर हमें यहाँ पर और भी एवेंजर्स को इकट्ठा करना होगा। सो 3, 2, 1 गाइज अभी तक हमने हमारे दो एवेंजर्स को ढूंढ लिया है, और अभी यहाँ पर तीसरे की बारी आ चुकी है, और जहाँ तक मुझे लगता है हमें एक एवेंजर यार बीच के पास भी मिलना चाहिए। और इस दुनिया का बीच यार बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि जैसे कि यार हमारी दुनिया का बीच है वैसे ही यहाँ का भी बीच है। तो चलो हमें यार अपने एक पानी के एवेंजर को भी ढूंढना होगा जो कि हमारी मदद कर सके, और वो यहीं कहीं पर होगा। यार पता नहीं कहां पर हो सकता वो। गाइज यार अगर आपने एक बार कमेंट में जायंट एवेंजर नहीं लिखा है तो एक बार जल्दी जल्दी से लिख दो, ताकि हमें अपना अगला एवेंजर यहीं पर ही मिल जाए। और यार ये देखो, जैसे ही आपने कमेंट किया यहां पर हमारा एवेंजर आ गया, और ये तो हमारी जायंट किंग शार्क है। हेलो जायंट किंग शार्क, क्या तुम मुझे पहचानती हो? अरे हेलो फ्रैंकलिन, हाँ मैं तुम्हें पहचानती हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे यार तुम सभी एवेंजर एक ही सवाल पूछते हो, मैं यार तुम्हें मेरी दुनिया में ले जाने आया हूँ। अरे नहीं फ्रैंकलिन, मैं मेरी दुनिया में ही खुश हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं जाना चाहता। अरे यार मेरी दुनिया में कोई पार्टी नहीं है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँ, दरअसल हमारी दुनिया में एक जायंट एवेंजर्स वॉर होने वाला है, इसीलिए यार मैं तुम्हें उसमें शामिल करने आया हूँ। फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन वो जायंट वॉर किस किस के बीच होगा? जायंट किंग शार्क, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो वॉर एक जायंट लावा टाइटन और सभी जायंट एवेंजर्स के बीच होने वाला है। फ्रैंकलिन, ये वॉर काफी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन इसमें मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, और इस वॉर को कुछ भी करके हमें जीतना ही होगा। दोस्तों इस दुनिया के एवेंजर्स यार बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि यार मैं जिनसे भी मदद मांगने के लिए आया था वो सभी यार हमारी मदद के लिए तैयार हो चुके हैं, और इसीलिए अभी ये किंग शार्क भी हमारी दुनिया में चलने को रेडी हो चुकी है। और यार ये भी काफी ज्यादा ही जायंट है, और अगर आप देखोगे तो यार ये बिल्कुल पानी का बादशाह है, और अगर ये हमारे साथ चल पड़ा तो हमारे तो मजे ही हो जाएंगे। वैसे यार अभी हम हमारी दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन गाइस उससे पहले एक बार कमेंट में हल्क शार्क ओपी लिख दो। सो 3, 2, 1 तो चलो दोस्तों हमने हमारे सुपर पावरफुल तीन जायंट एवेंजर को ढूंढ लिया है, और अभी यहाँ पर मैं अपने लास्ट जायंट एवेंजर को ढूंढने आया हूँ, और अगर हमें वो मिल जाता है तो हम उस लावा टाइटन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो हमें यहीं कहीं पर मिलना चाहिए। गाइज यार अगर आप भी मेरे जैसे एक्साइटेड हो तो एक बार जल्दी से रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वो हमें यहीं कहीं पर मिलना चाहिए। यार अगर हमें एक जायंट आयरन मैन मिल जाता है तो ये हमारे लिए काफी सही होगा,
और यार यहाँ पर ये क्या है गाइस? ये देखो, मुझे आयरन मैन तो मिल चुका है लेकिन ये हमारा मेगा गॉडज़िला है। यार इसके पास आयरन मैन का ये सूट कहाँ से आया? मुझे लगता है कि यार यहाँ का यही आयरन मैन है। तो चलो हम इससे बात करते हैं। अरे आयरन मैन, तुम ऐसे कैसे बन गए? फ्रैंकलिन, तुम्हारा ऐसे कैसे मतलब है? मैं इस दुनिया का आयरन मैन हूँ। अरे हाँ यार, सॉरी, वो तो मैं भूल ही गया था। लेकिन यार मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। अरे हाँ फ्रैंकलिन, मुझे सारी चीजें मालूम है और दूसरे यूनिवर्स के आयरन मैन से ये सारी बातें मुझे पता लगी है। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तो चलो गाइज, हमें उस लावा टाइटन से फाइट करनी ही होगी। तो चलो दोस्तों, ये तो अच्छा है यार, हमें इस आयरन मैन को कुछ बताना नहीं पड़ा, वरना यार ये भी हमसे 10 सवाल पूछता। लेकिन इसकी पावर तो अलग ही है गाइज। यार ये देखना, क्या ही तो ये मस्त लग रहा है। और जो इसका पावर बूस्ट है ये तो सबसे ही मस्त है। ये देखो हम कितनी मस्त तरीके से जा रहे हैं। और अभी हम यहाँ पर आते हैं। और यार मैं एक बार इसकी लेजर पावर चेक करना चाहता हूँ। और इसकी लेजर तो भाई क्या ही अलग लेवल की है गाइज। ये देखना, यहाँ पर मैंने कितनी सारी चीजों में आग लगा दी है और ये घर तो पूरा का पूरा ही जल चुका है। हम उस लावा टाइटन से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलो हम इसे लेकर भी अपनी दुनिया में चलते हैं। सो 3, 2, 1। तो ये लो गाइज, हम हमारी दुनिया में भी आ चुके हैं और वो रहा हमारा दुश्मन यानी कि जायंट लावा टाइटन। और अभी मैं इससे फाइट करने जा रहा हूँ। सो गाइज, अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हो जिसमें हम इस लावा टाइटन को हराए, तो उसके लिए एक बार जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अभी इस पे मैंने आग लगानी शुरू कर दी है। सो यार, अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो एक बार कमेंट में पार्ट 2 लिख के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम इसकी वीडियो जब भी लाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।